नमस्कार, आप देख रहे हैं ए टू जेड न्यूज लाइव और हम आपको बता रहे हैं यह स्पेशल रिपोर्ट। यूं तो आपने कई तरह के गांवों के नाम सुने होंगे, किसी की खूबी होगी, किसी की खराबी होगी, न जाने कई तरह के गांवों के नाम। लेकिन क्या आपने सांपों का गांव देखा है? नहीं ना, यह अचरज की बात है लेकिन है सच्चाई। और यह गांव बिहार में ही स्थित है। बिहार के समस्तीपुर जिले के हसनपुर में है यह गांव, जिसे सांपों का गांव कहा जाता है। इस सांपों के गांव की अजब कहानी है। बताया जाता है कि सिंहिया घाट नाम के इस गांव में, जहां सांप के काटने से किसी भी इंसान की मौत नहीं होती है, यहां पर नाग पंचमी के खास मौके पर लगने वाले सांपों के मेले में लोग उनके हाथ से खेलते हैं। कई बार सांप उन्हें काट भी लेता है लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता। यहाँ के लोगों की माने तो माता भगवती के आशीर्वाद से सांप के काटने से उन पर कोई असर नहीं होता। आपको बता दें कि सिंहिया घाट गांव समस्तीपुर के जिला मुख्यालय से 23 किलोमीटर दूर है, जहाँ के लोग कोबरा जैसे जहरीले सांपों को भी पकड़ कर घरों में रखते हैं। दुनिया के सबसे विषैले और खतरनाक सांपों के रूप में माना जाने वाला कोबरा का नाम सुनकर जहां सामान्य लोग कांप जाते हैं और पसीना छूट जाता है, और उन्हीं सांपों के साथ इस गांव के लोग खेलते हैं और उसके साथ कर्तव्य भी दिखाते हैं। जी हां, सिंहिया घाट गांव में नागपंचमी के दिन हजारों श्रद्धालुओं ने नाग देव की पूजा अर्चना भी की, और यह सिलसिला आज की नहीं सदियों पुरानी बताई जाती है। इस गांव के बाद गांव के पास की नदी में लोगों ने कई सांपों को पकड़ा भी है। गांव के लोगों का कहना है कि यहां रहने वाले सभी लोग सांप पकड़ना जानते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक इस गांव में सांपों का यह मेला पिछले 300 सालों से लग रहा है और हर साल इस तरह के लोग उसके साथ कर्तव्य दिखाते हैं। बताया यह भी जाता है कि इस गांव के सभी घरों में नाग देवता की पूजा की जाती है। पूजा के बाद घर के सभी सदस्य परंपरा के अनुसार दही के साथ नीम का पत्ता भी ग्रहण करते हैं। इस अवसर पर विषहर देवता को दूध एवं धान की लावा तथा झाप चढ़ाने की भी लोगों में होर मची रहती है। सांप के पकड़ने के बाद लोग उसकी पूजा कर अपनी मनोकामना पूरी होने की मन्नत मांगते हैं। आपको बता दें कि देश भर में नागपंचमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन बिहार के समस्तीपुर जिले में इस त्यौहार को कुछ अलग ही तरीके से मनाया जाता है। यहां भक्त नदी में जाकर तंत्र मंत्र के द्वारा विषैले सांपों को निकालते हैं। इसके बाद इसकी पूजा करके और दूध पिलाकर वापस फिर से सांपों को नदी में ही छोड़ दिया जाता है। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह लाइव तस्वीर समस्तीपुर के इसी ग्राम की है जो हसनपुर प्रखंड क्षेत्र में स्थित है। बताया जाता है कि समस्तीपुर के सिंहिया घाट में नाग पंचमी के दिन अद्भुत मेला लगता है। वह मेला सांपों का ही होता है। इस मेले में लोगों से ज्यादा सांप होते हैं। हाँ, हर हाथ में आप विषैले सांप होते हुए देख सकते हैं। जी हाँ, बताया जाता है कि जो बड़े हों, बुजुर्ग हों या फिर बच्चे हों, सब तरीके के सांप यहाँ मिलते हैं। सब सांप से खेलते नजर आते हैं। हर उम्र के लोग सांपों से खेलते नजर आ जाएंगे आपको। नागपंचमी के दिन सांपों की पूजा होती है, फिर इन्हें दूध पिलाकर मन्नत मांगी जाती है, और मन्नत मांगने के बाद इसे वापस फिर से नदी में छोड़ दिया जाता है। लोगों ने ए टू जेड न्यूज लाइव को यहाँ बताया कि नागपंचमी के दिन नागों को पकड़कर पूजा करने की यहाँ प्राचीन प्रथा है। पुराने के जमाने में
ऋषि मुनि सांपों से किसी को डर न लगे और सांप किसी को न काटे, इसको लेकर कूस का सांप बनाकर पूजा किया करते थे। आज धीरे धीरे तस्वीर बदल रही है, अब लोग असली सांप पकड़कर पूजा अर्चना करते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो आज तक सांप यहाँ किसी को नहीं काटा, किसी भी ग्रामीण को सांप ने नहीं काटा। लोग यहाँ दूर दूर से इस सांप के मेले को देखने के लिए आते हैं। दूर के लोगों में काफी कौतूहल होता है। सांप को देखकर इनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि खुशी की एक अलग छटा दिखती है और इनकी पूजा करने की मन्नत मांगते हैं। आप ए टू जेड न्यूज लाइव पर यह विशेष एक्सक्लूसिव वीडियो भी देख सकते हैं। साल में एक बार जो यहाँ मेला लगता है वह काफ़ी अद्वितीय होता है, जिसका नाम ही होता है सांपों का मेला। समस्तीपुर के इस गांव को लोग सांपों का गांव भी इस नाम से भी बुलाते हैं। दीपक कुमार तिवारी, ए टू जेड न्यूज लाइव, समस्तीपुर, बिहार। यह थी अब तक की खबरें। आप गांव से शहर और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए